हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम लोग क्लास इलेवेंथ अकाउंटेंसी का एक बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इन शॉर्ट आप इसे बी आर एस कहते हो बस इतना ही कहूंगा शुरू करने से पहले ये चैप्टर जैसा आपको समझाऊंगा मैं शायद ही वैसा आपने पहले कभी समझा होगा और गारंटी से इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कहीं से आप उठा लोगे उसे क्लास सेकेंडो में क्लास आप हर एक पॉइंट को बना लोगे यानी कि बहुत जल्दी आप बना लोगे और विद कॉन्सेप्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो वीडियो एंड तक ध्यान से अच्छे से पेशेंस रख के अपनी नोटबुक निकाल लेना और लिखते चले जाना जो जो बताऊँगा और बी आर एस तुम्हें प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा सारा चैप्टर क्लास शुरू से लेकर एंड तक स्टार्ट करते हैं बी आर एस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अब जो बेसिकली रिकन्सीेशन का मतलब आप समझ सकते हो मैचिंग ठीक है या मिलान करना मैच करना या रिकंसाइल करना किसी चीज़ से क्लास उसको मैच uh, करना ठीक करने के लिए उसको मैच करना दिस इज़ कॉल्ड रिकन्सीेशन अभी बैंक रिकन्सी स्टेटमेंट है क्या उस चीज़ को समझने से पहले हम ये बात करेंगे ये है कैसे बनाते क्यों है ठीक है तो देखो मैं एज ए अकाउंट होल्डर मेरा एक बैंक में अकाउंट अकाउंट है HDFC, IC, IC, है एक्सिस बैंक किसी में भी मेरा है, ठीक है तो अगर मैं अपना अकाउंट खुलवाऊंगा तो मुझे बैंक वाले सबसे पहले दो चीजें देंगे ठीक है दो चीजें देंगे बैंक वाले एक होगी पासबुक और एक होगा चेकबुक भैया इस पर साइन करके पेमेंट वेमेंट करना है चेकबुक और पासबुक ठीक है तो बैंक मुझे क्या क्या देगा क्लास पासबुक देगा ठीक है बैंक मुझे क्या क्या देगा जैसे मैं किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता हूँ तो बैंक मुझे देगा पासबुक ठीक है कभी आपके पापा ने आपको पासबुक अपडेट कराने के लिए बैंक भेजा होगा कि बेटा जाओ इस पासबुक को बैंक में अपडेट करके ले आओ तो आप जाते हो पासबुक को बैंक में देते हो वो क्लास आपको प्रिंटर पर डाल के इसको अपडेट करके दे देता वही है वही पासबुक है ठीक है पासबुक और दूसरा क्या है क्लास चेकबुक इसके अलावा कुछ एटीएम कार्ड वगैरह दे सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीज़ें आपको बेसिकली दी जाती है तो इसमें चेकबुक को हटा दो चेकबुक का हमारा अभी कोई रोल रोल नहीं है आप पासबुक ध्यान रखो और क्योंकि मैं अपना पैसा बैंक में जमा करता हूं, आए दिन बैंक से निकालता हूं और मैं एक बिजनेसमैन भी हूं जो अपना छोटा मोटा काम करता हूं, इधर प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप और कंपनी तो मैं अपने पास एक कैश बुक तो बनाता ही हूँ और आप सब लोगों ने कैश बुक देख रखा है आप सब लोगों ने पासबुक देख रखा है मैंने आपको पासबुक दिखा दिया आप घर में होगी जरूर देख लेना ठीक है और कैश बुक आप सब लोगों ने अकाउंट आपने बना रखा है कैश बुक आपने अच्छे से सिंगल कॉलम डबल कॉलम बना रखा है ठीक है ये कैश बुक किसके पास रहता है अकाउंट होल्डर के पास ये पासबुक किसके पास रहता है अकाउंट होल्डर के पास लेकिन इस कैश बुक में एंट्री कौन करता है क्लास इस कैश बुक में एंट्री मैं करूंगा है ना इस कैश बुक में एंट्री मैं करूंगा मेरी कैश बुक है मैं इसे बनाता हूं लेकिन इस पासबुक में एंट्री आप नहीं करते क्या आपने पापा से आपने बोला कभी पापा अच्छा एंट्री करनी है मैं बैंक क्यों जाऊं चलो मैं ही लिख देता हूं नहीं वो प्रिंटेड होता है क्लास वो अकाउंट वो एंट्री कौन करता है क्लास एंट्री बाई बैंक ये होता हमारे पास ही है लेकिन बैंक इसमें एंट्री करता है और कैश बुक हमारे पास होता है हम इसे एंट्री करते हैं हम दोनों चीज़ों को अपने पास संभाल के रखते हैं अब पासबुक कैसा दिखता है अंदर से कैसे कैसे होता है पासबुक में थोड़ा सा हम बात करते हैं ये पासबुक तो बेसिकली अभी बहुत छोटे छोटे डिजिट है आपको दिखेगा नहीं हालांकि आप बैलेंस जानना चाहते हो सर बैलेंस एक बार दिखा दो तो बैलेंस ज़्यादा नहीं है सात हज़ार तीन सौ पचपन का बैलेंस अभी दिखा रहा है सी ठीक है अब सी का मतलब करोड़ मत समझ लेना कि सात हजार तीन सौ पचपन करोड़ नहीं है सी आर इज फॉर क्रेडिट आप अपने पापा के पासबुक में देखना या मदर के पासबुक में देखना उसमें सी लिखा रहता है क्रेडिट सी आर इज नॉट करोड़ कहीं समझ लो सॉरी इतना करोड़ इतना करोड़ तो भैया सी का मतलब क्रेडिट मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम ये बी बनाते क्यों है ठीक है चलो अभी होता क्या है क्लास कि अगर कैश बुक और पासबुक दोनों मैच नहीं कर रहे इसका मतलब कुछ ना कुछ झोल है अभी मेरे हिसाब से मेरे बैंक में पचास हजार रुपये बैलेंस होना चाहिए मैंने पासबुक में देखा तो पासबुक कहता है सैंतालीस हज़ार पाँच सौ का बैलेंस है है ना और दो दिन पहले तुम्हारे दोस्त की पार्टी थी और ए तुमको पता है कहाँ रखा रहता है पापा का तो पापा को डाउट हो गया कि यार यू तो पचास हज़ार रुपये होना चाहिए मेरे अकाउंट में है कितने सैंतालीस हज़ार पाँच सौ रुपये कल रात को ये लेट भी आया था इसके दोस्त की पार्टी भी थी तो डाउट हो गया तुमको ही बोला कि जाओ पासबुक में अपडेट करा के आओ तुम घबरा गए अपडेट में तो सब साफ आ ही जाएगा तो भैया बैंक में देखा कि भाई ये डिफरेंस क्यों है ये डिफरेंस क्यों है कल रात को कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई या फिर क्लास कुछ भी रीज़न समझ लो किसी भी कारण की वजह से तो भैया इसी डिफरेंस को जानने के लिए कि भाई मेरे कैशबुक का जो बैलेंस है और जो मेरे पासबुक का बैलेंस है वो डिफ़र क्यों कर रहा है क्या है रीजन जिसकी वजह से ये डिफर कर रहा है ये कम ये ज्यादा ये ज्यादा ये कम कुछ भी हो सकता है तो डिफर क्यों कर रहा है इस डिफर के रीजन को जानने के लिए और ठीक करने के लिए एक पेपर पे सादा कागज पे, पे नॉर्मली स्टेटमेंट बनाया जाता है दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका इसका जो फॉर्मेट है उसको डिफाइन नहीं करता बी आर एस ना ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट है ना ही क्लास कंपनीज एक्ट का पार्ट है बी आर एस बस नॉर्मली हम लोग बनाते हैं आम तौर पे क्लास अपने स्टेटमेंट्स को मैच कराने के लिए कि भाई क्यों गड़बड़ आ रहा है देखो आजकल गड़बड़ नहीं आता आजकल बैंक हमें अपडेट कर देता है तुरंत मैसेज आ जाते हैं पहले टाइम पे इतना मैसेज सिस्टम था नहीं इतना कुछ ऑनलाइन इतना डायरेक्टली इंटीमेशन वगैरह बैंक की तरफ से नहीं आता था या हम रिकॉर्ड करना कुछ भूल गए मान लो मैंने किसी को चेक काट के पैसे दे दिए मैं भूल गया लिखना यहाँ पर बैंक थोड़ी भूल जाएगा पैसे काटना बैंक ने पैसे काट लिए किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक खाते में जमा कर दिया मैं एक बच्चे को पढ़ाता हूँ जो कि कर्नाटका में रहता है अब उसने कर्नाटका से मुझे पेमेंट कर दिया मुझे बताया नहीं उसने मुझे कॉल नहीं किया सीधे मेरे खाते में जमा कर दिया तो भी बैंक

बी आर एस की, की जरूरत क्यों पड़ती है अब ध्यान से मैं तुम्हें क्लास एक चीज दिखा रहा हूँ जरा देखो आ जाओ सारे बच्चे येरा कैशबुक और येरा पासबुक कुछ ऐसा दिखता है पासबुक ठीक है यहाँ पे आता है डेट डेट भी रहता है डेट फिर पर्टिकुलर्स विड्रॉल, ध्यान रखना विड्रॉल का मतलब डेबिट तो अगर तुम्हारे पापा तुमसे कभी कहें कि बेटा जरा मैसेज देखना इसमें क्या लिखा है बैंक की तरफ से तो आप पढ़ते हो योर अकाउंट इज डेबिटेड थ्रू टू थाउजेंड रुपीज इसका मतलब तुम्हारे पापा के अकाउंट से दो हजार रुपए कट गए डेबिटेड मतलब टेंशन अरे मेरे अकाउंट से दो हजार रुपए कट गए कैसे कटे कैसे कटे मेरे ए तो खो गया है कैसे कटा कहीं से ट्रांजेक्शन ऑनलाइन तो नहीं हो गया क्या हो गया तूने तो नहीं किया तूने तो नहीं किया उनको टेंशन क्यों कट गया दो मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब डेबिट का मतलब विड्रॉल कि तुम्हारे खाते से पैसा निकाल लिया गया और तुम्हारे बाबा कहते हैं बेटा देखना ये मैसेज आया है योर अकाउंट इज क्रिएटेड विद टू करोड़ रुपीस दो करोड़ रुपए का क्रेडिट हो गया कहां से आया पैसा कहाँ से आया डिपोजिट तो देखो डेबिट का मतलब है पैसे बैंक से निकल गया और क्रेडिट का मतलब डिपोजिट तो अगर कभी भी आप ए से पैसा निकालते हो तो देखना आपके पास मैसेज आता होगा योर अकाउंट जो है वो बेसिकली अगर आपने निकाल लिया तो डेबिटेड और जमा करते हो तो मैसेज आता है क्रेडिटेड ओके एटीएम से बाहर निकलते हो एटीएम में बस डाल रहे होते हो पैसा नहीं मिला पर मैसेज आ गया कि पैसा कट गया फिर तो उधर बाद पैसा आता आप लेके घर आते हो तब आता डेबिट का मैसेज जमा हुआ तो क्रेडिट निकाला तो विद्रॉ यानी कि डेबिट अभी हमारा कैश बुक है ये बैंक कॉलम सिर्फ इसमें बैंक कॉलम है कोई कैश कॉलम नहीं यानी कि हम क्या करें बैंक में पैसा आया तो डेबिट बैंक में पैसा गया तो क्रेडिट तो हमने सबसे पहले क्या किया बैंक में दस हजार रुपए जमा कर दिए तो बैंक ये देखो ये समझ लो कैश बुक है बैंक कॉलम समझ लो ये सारी चीजें क्लास रिसीट जो है वो बैंक कॉलम का है जो पेमेंट है वो भी बैंक कॉलम सारा बैंक कॉलम का है अब देखो कि हम लोग कैसे कैश बुक पासबुक में एंट्री मेंटेन होता है ध्यान से अच्छे से समझना प्रैक्टिकली समझेंगे इसको ठीक है एक अप्रैल को टू कैश करके दस हज़ार मेरे बैंक में जमा कर दिया मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया ये मेरे हाथ में है ठीक है तो तुरंत पासबुक में भी मैं जब गया बैंक के पास पासबुक लेके तो बैंक ने भी क्या कर दिया बाई कैश करके डिपॉजिट कर दिया दस और मेरा बैलेंस दिखा रहा है दस क्रेडिट जो मैं अभी करोड़ कह रहा था ना वो ये क्रेडिट है तो दस हजार रुपये क्रेडिट मेरा बैंक बैलेंस अभी दिखा रहा है तो बाई कैश करके बैंक बैलेंस कितना दिखा रहा है क्लास दस हजार क्रेडिट बात समझ गया तो अब देखो जो चीज़ हमारे लिए डेबिट है वही चीज़ बैंक के लिए क्रेडिट है और हो क्यों ना भाई मैं तुम्हें माल बेच रहा हूँ मेरे लिए सेल है भैया तुम्हारे लिए तो पर, परचेज है ना मैंने बैंक में जमा कर दिए भाई दस हज़ार रुपये मेरे लिए असेट है डिपोजि दस हज़ार रुपये जमा किए भाई बैंक ला दस हज़ार रुपये पर बैंक वहाँ क्या बैठा है ठीक है साहब दस हज़ार रुपये मेरी लाइबिलिटी है मैं आपको दे दूंगा तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है बैंक के लिए वो क्रेडिट है हमारे लिए क्या है क्लास वो डेबिट तो जो हमारा डेबिट होता है वो बैंक का क्रेडिट होता है कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हर डेबिट का मतलब तो पैसे का आना होता है अब मैंने ए से पैसा निकाला तो मेरा अकाउंट डेबिट हो गया तो बेटा देखो तुम्हारा अकाउंट जो है अकाउंट डेबिट हुआ है तुम्हारे अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम हो गया है तुम्हारे पास तो पैसा आ ही गया ना तुम्हारे पास तो पैसा आ ही गया तो तुम डेबिट करोगे हम अपने हिसाब से सोचते हैं हमारा डेबिट मतलब पैसे का आना और हमारा क्रेडिट मतलब पैसे का जाना लेकिन बैंक का उल्टा है बैंक का डेबिट मतलब आपने निकाल लिया पैसा बैंक का क्रेडिट का मतलब क्या है आपने पैसा जमा कर दिया मेरे लिए सेल क्रेडिट तुम्हारे लिए परचेज डेबिट तो वही वाला सीन है राइट तो ठीक है मैंने दस हज़ार जमा किया बैंक का बैलेंस भी दस हज़ार दिख रहा है हाँ जी सब कुछ सही है अब हुआ क्या मैंने रामू रामू ने मुझे पाँच सौ रुपये दे दिए तो लिख दिया मैंने पाँच सौ रुपये और मेरे बैंक अकाउंट में बाई रामू पाँच सौ रुपये देखो जमा हो गया अब मेरा बैलेंस हो गया दस हज़ार पाँच सौ सब कुछ बिल्कुल मैच हो रहा है ये दस हज़ार पाँच सौ क्रेडिट है ठीक है फिर क्या हुआ फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया ऑनलाइन पेटीएम से पेटीएम करो होता आता ना ऐड तो वही मैंने सौ रुपये इलेक्ट्रिटी पे कर दिया तो भाई यहाँ पे भी मेरे बैंक से पैसा कट जाएगा टू इलेक्ट्रिसिटी बिल सौ रुपये विड्रॉल हो गया मेरा बैंक का बैलेंस आ गया दस हजार चार सौ रुपये क्रेडिट ठीक है फिर यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट मिल गया मेरे जो कुछ पैसा जमा था बैंक ने मुझे ब्याज दे दिया क्वार्टरली इंटरेस्ट तीन तीन महीने में बैंक ब्याज देती है जो आपने जमा किया है तीन चार परसेंट का तो ये ढाई सौ रुपये जमा हो गया इंटरेस्ट तो बैंक ने लिख दिया क्लास इंटरेस्ट ये देखो ढाई सौ डिपॉजिट हो गया है ना इसके अलावा क्लास यहाँ पे देखो कमाल मैंने कमल को कमल को तीन हज़ार रुपये दिए थे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए थे कमल को तीन हज़ार रुपये उसने मुझे एक शर्ट भेजी थी मैंने उसको तीन हज़ार भेजा था तो यहाँ पर टू कमल करके विड्रॉल मेरे खाते से निकल गया तीन हज़ार रुपये तो यहाँ पे दस चार दस सात हज़ार चार सौ देखो दस चार सौ बैलेंस था सात चार हो गया फिर ढाई सौ और जमा हो गया तो सात हज़ार छः सौ पचास का बैलेंस फिर बैंक ने क्या किया चार्जेस काट लिए मेरे ए टी का मैसेज भेजने का चार्ज पचास का काट लिया बाई इंटरेस्ट करके देखो यहाँ पे विड्रॉल में पचास निकल गया तो मेरे लिए क्रेडिट था लेकिन बैंक के लिए क्या है क्लास ये डेबिट पचास कट गया अब मेरा बैलेंस सात हज़ार छः सौ रुपये क्रेडिट है सीआर मतलब क्रेडिट तो यानी कि मेरे अकाउंट में अब सात हज़ार छः सौ का बैलेंस है ऐसा मुझे पासबुक में देखने को मिल रहा है और कैश बुक में देख रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में भी सात हज़ार छः सौ का बैलेंस है ये बन गया डेबिट बैलेंस मेरे लिए डेबिट बैलेंस है लेकिन बैंक की क्योंकि लाइबिलिटी है तो बैंक के लिए क्रेडिट बैलेंस और हमारा डेबिट केट मैच अगर है तो सब चंगा सी सब बढ़िया सी अगर मैच है लेकिन अगर ये दोनों में डिफ्रेंस आ गया और मैच नहीं हुआ तो झोल है हमें रीज़न फाइंड आउट करना पड़ेगा क्यों डिफरेंस आ गया ऐसा क्या हुआ आपको पता है अगर तुम्हारे खाते से सत्ताईस रुपये पंद्रह पैसे भी कटेंगे ना तो बैंक सत्ताईस रुपये पंद्रह पैसे ही लिखेगा बैंक सत्ताईस रुपये नहीं लिखेगा अट्ठाईस भी नहीं लिखेगा पूरा एग्जैक्ट एक एक पैसे का हिसाब होता है अगर, अगर, अगर ऐसा हो कि मैं दस जमा कर रहा हूँ बैंक मेरे खाते में नौ तो डाले तो भैया सारे बैंक बंद हो जाएंगे जितने भी बैंक हैं तो बैंक एक एक पैसे का हिसाब रखता है आपसे गलती होगी बैंक से नहीं होगी 99.99 केसेस में नहीं होगी कभी कभार को कोई न्यूज़ आपको सुनने को मिल जाता होगा इस फलाना आदमी के अकाउंट में गलती से बैंक ने सौ करोड़ जमा कर दिया पाँच करोड़ जमा कर दिया दैट एक्सेप्शन वो निकाल भी लेती है वो भूल नहीं जाती फिर जमा करके वो इंस्टेंटली निकल जाता है ठीक है तो यानी कि अब ये मैच होना चाहिए लेकिन अगर ये मैच नहीं है तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिस स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आज हम पूरा बेस अंडरस्टैंड कर लेंगे ना इसका बेस समझ गए ना आगे मैं से कोशिश करूंगा अगले तीन पार्ट में खत्म कर दूं चार क्लास टोटल लूंगा लेकिन अगले तीन पार्ट के अंदर मतलब इसी वीक के अंदर ट्राई करूंगा खत्म कर दूँ तो उसके अंदर तुम देखोगे ना सारा कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से आपका अच्छे से कवर हो जाएगा राइट तो यहाँ पे देखो सात हजार छह सौ रुपये का बैलेंस आपको यहाँ दिख गया यहाँ अब सवाल ये कि सर ये मैच क्यों नहीं होता तो क्या गलती होती है जिसकी वजह से मैच नहीं होता मान लो कमल ने तुम्हें तीन हजार भेजे हैं ठीक है थेके? तुम यहां पे लिखना भूल गया उसको तो सर तुमने कमल को तीन हजार दिए थे ना तुम यहां लिखना भूल गए बट बैंक तो लिखेगा ना बैंक तो लिखेगा तो अब तुम्हारा ये जो बैलेंस है बिल्कुल मैच हो जाएगा तुम्हारा बैलेंस जो है ये दस हज़ार सात सौ पचास है पचास जाएगा दस हज़ार सात सौ और सौ दस हज़ार छः सौ तो यहाँ तुम्हारा बैलेंस दस हज़ार छः सौ आ रहा है बैंक कह रहा है अभी बैलेंस आपका सात हज़ार छः सौ मैं कह रहा हूँ मैं लड़ रहा हूँ बैंक से अरे भाई मेरे हिसाब से दस हज़ार छः सौ होना चाहिए बैंक कहता है जी नहीं छः सात हज़ार छः सौ ही है डिफरेंस क्यों आ रहा है तो बैंक बोलेगा देखो सर इस डेट को आपने एक एंट्री की थी जो आपने अपने में लिखना भूल गए ये बैंक ने चार्ज काटा था आप लिखना भूल गए क्योंकि बैंक ने अपनी तरफ से काट लिया फिर आपको इंटरेस्ट मिला आप लिखना भूल गए जिसकी वजह से डिफरेंस आता है और इन्हीं डिफरेंस की वजह से इन्हीं डिफरेंस की वजह से हम लोग क्लास बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं सो so, तो अब हम बात करेंगे रीज़न फॉर डिफरेंस कि जितने भी डिफरेंस आते हैं कैशबुक और पासबुक में क्लास उसका रीज़न फॉर डिफरेंस क्या है अगर तुम रीज़न फॉर डिफरेंस समझ गए तो तुम्हें क्लास ये चैप्टर पूरा समझ आ जाएगा इसकी मेरी गारंटी है अब तुम्हें समझाने के लिए डिटेल में थोड़ा सा चेकबुक पे आते हैं तो होता क्या है जैसे ही हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं ना तो बैंक हमें एक ऐसा चेकबुक देता है और इस चेकबुक में लिखा रहता है ऊपर पे किसको पे करना है कितना पैसा देना है और आपको सिग्नेचर करना होता है उस पर राइट अब मान लो कि मैंने आपको एक लाख का चेक काट के आज दे दिया ठीक है ऐसा मान लो कि मैंने एक लाख का चेक काट के आपको दे दिया आज की डेट पे पंद्रह जनवरी मान लेते हैं ठीक है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पंद्रह जनवरी को मैंने आपको चेक काट के दे दिया चेक की वैलिडिटी होती है नब्बे दिन की चेक सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन होता है चेक काट के देने का मतलब मैं अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ हे भाई बैंक तेरे पास मैं इतने पैसे रखता हूँ उसमें से एक लाख रुपए निकाल के फलाना आदमी को दे दे खत्म बात यही तो होता है तो बैंक वेरीफाई करेगा चेक करेगा है कि नहीं और चेक करके फिर मेरे खाते से पैसे निकाल देगा यानी डेबिट कर देगा और तुम्हारे खाते में क्या कर देगा क्रेडिट कर देगा ओके ठीक है तो 15 जनवरी को मैंने चेक काट के दिया चेक की वैलिडिटी 90 दिन की होती है क्या चेक लेते ही भाग भाग के भाग, भाग भाग के जाके बैंक में जमा करा दोगे क्या आप नहीं आपने चेक ले लिया आप बोलो ठीक है यार मैं मंडे को बैंक जाऊंगा या फिर मैं दो चार चेक और आने हैं सबसे कलेक्ट करके इकट्ठा सारे चेक बैंक में जमा कर दूंगा है कि नहीं तुरंत तो नहीं जाओगे आप ठीक है तो पंद्रह तारीख को मैंने क्या किया मैंने बोला भाई मेरे खाते से एक लाख रुपये कट गए मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया ठीक है पर बैंक से तो अभी नहीं कटा है क्योंकि ये बंदा तो दस दिन 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 एक महीने बाद भी जा सकता है चेक की वैलिडिटी नब्बे दिन की होती है तो एक महीने बाद भी जा सकता है ये ये बैंक बैंक के पास। अब ये चला गया। बैंक के पास पास अब चला गया 25 जनवरी को जमा किया इसने चेक ठीक है 25 जनवरी को तो मेरे कैश बुक से आज एक लाख रुपए कम हो गया है मेरे कैश बुक से आज एक लाख रुपए कम हो गया एग्जांपल और अच्छा ले लेते हैं क्लास थोड़ा तुमको और बेहतर समझा देते हैं ठीक है मान लो मेरे पास पाँच लाख का बैलेंस था कैश बुक में मेरे अकाउंट में और पासबुक में भी पाँच लाख का बैलेंस था बैंक में पासबुक का बैलेंस पाँच लाख मेरा कैश बुक का बैलेंस पाँच लाख दोनों मैच है पंद्रह जनवरी को जैसे ही मैंने तुम्हें एक लाख रुपए का चेक काट के दिया मैंने माइनस कर दिया मैंने लिख दिया इसको चार लाख मैंने माइनस कर दिया मैंने यहाँ लिख दिया चार लाख कि भाई मेरे अकाउंट में चार लाख का बैलेंस है एक लाख का चेक मैंने आपको दे दिया ठीक है अब हुआ क्या कि ये बंदा चेक जा रहा है पच्चीस तारीख को जमा कराने और 20 तारीख को 20 जनवरी को मतलब पाँच दिन पहले ही मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं बैलेंस चेक कर लूँ तो मैंने बैंक में मैसेज किया या पासबुक अपडेट कराया तो बैंक कह रहा है पाँच लाख रुपये है बैंक कह रहा है आपके खाते में पाँच लाख है मैं बोलूँगा अरे सही बोल रहे हो मेरे हिसाब से चार लाख है वो कहता तो नहीं जी पाँच लाख है तो अब ये डिफरेंस आया किसकी वजह से आया डिफरेंस ध्यान सुनो चेक इशूड मैंने तो चेक काट के दे दिया चेक इशू का मतलब क्या है मैंने चेक काट के दे दिया है बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अगले बंदे ने अभी तक बैंक में नहीं जमा कराया वो जमा कराएगा कब 25 तारीख को कभी अभी जमा नहीं कराया उसने जिसकी वजह से बैंक ने पैसा नहीं काटा मैंने तो काट दिया अपने कैशबुक से बैंक ने अपने अकाउंट से पैसा नहीं काटा बैंक में अभी भी पाँच लाख है चेक भैया जाएगा बैंक में जमा करेगा बैंक वेरीफाई करेगा सिग्नेचर वेरीफाई करेगा बैलेंस वेरीफाई करेगा तब जाके ना चेक क्लियर होगा कभी कभी दो, दो दो तीन तीन दिन का टाइम लग जाता है कई बार सेम डे भी हो जाता है तो यार ये चीज होती है क्लास समझ गए बात को दिस इज कॉल्ड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट चेक तो आपने इशू कर दिया लेकिन अगले बंदे ने पेमेंट के लिए चेक को बैंक में दिखाया ही नहीं जिसकी वजह से आपका कैश बुक का बैलेंस कम हो चुका है लेकिन पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखा रहा है अब इसे ठीक कैसे करें तो हम उसकी बात कर लेते हैं I hope ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है? चलो तो पहला रीजन क्या है इसका मानो बस यही सीखना, ये सीख सीख ठीक है तो मैं इस पूरे टॉपिक को कैसे करूंगा इसमें पूरे टॉपिक माइनस आपके स्कूल टीचर ने बहुत प्लस माइनस प्लस माइनस कराया होगा समझ आता नहीं जनरली बच्चों को आ जाएगा ये है कैश बुक ये है पासबुक बी मतलब पासबुक सी मतलब कैश बुक मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया ठीक है अब जैसे ही आपने चेक काट के दिया आपने कैश बुक से तो माइनस कर दिया ठीक है अच्छा एक चीज़ और अगर वो बंदा पच्चीस को जमा कर देता है और मैं बी आर एस बना रहा हूँ तीस को तीस तारीख को तीस जनवरी को तो क्या डिफरेंस आएगा नहीं तो डिफरेंस नहीं आएगा तो कोई भी डिफरेंस नहीं है क्यों पंद्रह तारीख को मैंने मैंने कम कर दिया 25 को उसने डाल दिया पैसा और 30 को चेक कर रहा करूँ तो 30 को चेक करूँगा दोनों का बैलेंस चार चार लाख दिखेगा तो वो बराबर है अगर उससे पहले चेक करता हूँ तो वो दिक्कत है तो जैसे ही मैंने चेक इशू किया चेक इशू करते हैं तो कैश का बैलेंस कम हो जाता है लेकिन बैंक का बैलेंस अभी कम नहीं हुआ बैंक का बैलेंस ज़्यादा है ध्यान से समझना मैं प्लस माइनस क्यों कर रहा हूँ जैसे चेक काट के दिया मैंने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया पर बैंक का बैलेंस क्या है ज़्यादा है ठीक करने के लिए ठीक करने के लिए या तो हम कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दें या तो हम पासबुक का बैलेंस कम कर दें इन दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं ठीक करने के लिए अब आपको ये जितने भी साइन है ना बस इतना साइन याद रखना है बेटा अब ये करते कैसे हैं क्वेश्चन करेंगे कैसे वो मैं तुम्हें तो आज नहीं सिखा पाऊंगा वो क्वेश्चन उठा के अगली क्लास में सिखाऊंगा अगर तुम आज ये चीज़ याद कर लेते हो तुम इस पूरे चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो ये ट्रिक है ये रूल्स हैं ठीक है तो हमेशा ध्यान रखना कि ये यहाँ जो साइन होगा यहाँ भी वही साइन होगा यहाँ जो साइन होगा वहाँ भी यही साइन होगा अगर आपने पहला सही कर लिया मान लो आपने यहाँ माइनस किया ऑब्वियसली यहाँ प्लस करोगे यहाँ प्लस किया ऑब्वियसली यहाँ माइनस करोगे यहाँ माइनस किया ऑब्वियसली प्लस करोगे सब कुछ उल्टा चलता है माइनस प्लस माइनस प्लस या यहाँ प्लस अगर होता तो ये माइनस होता फिर ये प्लस फिर ये यह, अगर यहाँ प्लस होता तो ये माइनस फिर ये प्लस फिर ये माइनस इस तरीके से तो इसका समझ गया आप क्या चेक डिपोजिटेड सॉरी चेक इशूड आपने चेक काटा बट वो चेक अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है इसका ये हो गया अगला अब ये मेरे साथ भी तो हो सकता है ना कि किसी ने मुझे चेक दिया और मैंने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया चेक डिपॉजिटेड मेरे को चेक दिया था कुछ बच्चों ने फीस का मैं गया मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुआ है मान लो बच्चों ने भी चेक दिया पंद्रह तारीख को मैंने पंद्रह तारीख को बैंक में डिपॉजिट कर दिया मान लो पचास पांच हजार का चेक है ठीक है अब वो क्लियर सत्रह को होगा मैं बी आर एस बना रहा हूँ सोलह को तो मैं सोच रहा हूँ मेरे खाते में तो पाँच हज़ार ज़्यादा होना चाहिए बैंक कह रहा है मेरे खाते आपके खाते में पाँच हज़ार ज़्यादा नहीं है कम है तो मैं सोच कहां रहा हूँ डिफरेंस कहाँ रह गया क्यों आ रहा है डिफरेंस से मेरे हिसाब से तो मान लो पहले एक लाख का बैलेंस था एक लाख पाँच होना चाहिए वो कहता नहीं जी एक लाख का ये क्यों अभी वो चेक क्लियर नहीं हुआ है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है यानी कि आप क्या करोगे चेक डिपोजिटेड जैसे ही चेक डिपोजिट होगा मैं अपना कैश बैलेंस बढ़ा लूँगा क्योंकि मुझे तो पता है ना मुझे तो पता है आपने मुझे चेक दिया मैंने अपना कैश बैलेंस बढ़ा दिया ठीक है जैसे वहां पे चेक मैंने काटा था तो मैंने माइनस किया था अगर तुमने ये सही कर दिया ना पूरा बना लोगे कैसे मेरा कैश बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है बैंक कम दिख रहा है ठीक करने के लिए या तो कैश कम कर दो या बैंक को बढ़ा दो देख रहे हो ये हमेशा मैच होगा ये बिल्कुल मैच होगा हमेशा ये रूल है तो जब तुम्हारे टीचर प्लस माइनस कराते हैं ना तो क्यों प्लस माइनस होता है कब प्लस माइनस होता है ये उसी का रूल है ये सारे रूल आप सीख लो अच्छे से सो दैट अगली क्लास में कोई दिक्कत ना हो बैंक चार्जेस अच्छा मुझे बताओ बैंक जो चार्ज काटता है चाहे किसी भी तरीके का चार्जेस हो चाहे बैंक हमसे इंटरेस्ट का चार्ज काट रहा हो या कोई भी चार्ज बैंक काटेगा तो मैंने क्या कहा था बैंक डेबिट करेगा है ना बैंक डेबिट करेगा पैसा कटता है तो बैंक डेबिट करता है विड्रॉल में बैंक डेबिट करेगा डिपोजिट में बैंक क्रेडिट करता है ठीक है तो पैसा कट गया तो ये बात पहले किसे पता चलेगी मुझे बैंक को मेरे खाते से बैंक ने सौ रुपये का इंटरेस्ट काट लिया ये बात किसे पता चलेगी पहले मुझे या बैंक को सर ये बात तो पहले बैंक को पता चलेगी बैंक काटेगा पैसे तो बैंक ने पैसा काटा बैंक ने माइनस कर दिया मुझे ये बात अभी तक पता नहीं चली तो मेरा अकाउंट दिख रहा है प्लस में बैंक ने पैसे काट लिए यहाँ से मेरे खाते सौ रुपये काट लिए मेरे खाते में से दस हज़ार रुपये बैंक कह रहे नहीं नौ हज़ार नौ सौ है मैं कह रहा हूँ नहीं यार दस हज़ार है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है इस ये बैंक ने चार्ज काटा है ठीक करने के लिए या तो इसे कम कर दो या तो इसे बढ़ा दो तो कौन सा करेंगे कम करेंगे ज़्यादा करेंगे प्लस करेंगे माइनस करेंगे ये मैं तुम्हें अगली क्लास में बताऊंगा बस तुम ये रूल जितने ये बता रहा हो ना क्लास में ये ये बहुत अच्छे से याद कर लेना कि कब यहाँ शुरुआत का याद कर लें बस शुरुआत का याद है बाकी सब तो आपका हो ही जाएगा तो बस तुम्हें क्या पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट बेटा चेक इशू करते हैं तो सर कैसे माइनस बस इतना पता होना चाहिए बेटा चेक डिपोजिट किया और क्लियर नहीं हुआ तो सर बैंक में यहाँ कैश में प्लस क्योंकि पहले यहाँ पास चलता है कैश में मैंने प्लस कर दिया बैंक का माइनस चला ठीक करने के लिए प्लस और माइनस बैंक चार्जेस तो बैंक से माइनस सर पहला ये बैंक से पैसा कट गया यहाँ ज्यादा दिख रहा है ठीक करने के लिए उल्टा कर देना बैंक इंटरेस्ट भैया बैंक हमें ब्याज भी तो देता है, है ना मेरा पैसा जमा है बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा तो अगर बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा तो सबसे पहले पता कैसे चलेगा मेरे को या बैंक को भाई बैंक मुझे देगा इंटरेस्ट तो बैंक को सबसे पहले पता होगा ना बैंक मेरा अकाउंट बैलेंस प्लस कर देगा बढ़ा देगा बैंक ने मुझे चार हज़ार का ब्याज दिया ये मेरा अकाउंट बैलेंस बढ़ गया यहाँ कम दिखा रहा है ठीक करने के लिए ये प्लस करेंगे और ये माइनस <coughs> इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक मैंने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है ठीक है या फिर मैंने कुछ जगह पर प्रॉपर्टी में कहीं भी कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है जहाँ से मुझे क्या मिलता है इंटरेस्ट या मैंने किसी को उधार दे रखा है वहाँ से मुझे कोई इंटरेस्ट मिलता है या डेट फंड ले रखे हैं डिेंचर वगैरह इशू कर रखे हैं ले रख खरीद रखे हैं तो मुझे इंटरेस्ट मिला और ये इंटरेस्ट मेरे जेब में नहीं आया डायरेक्टली बैंक ने कलेक्ट कर लिया बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट को बैंक ने कलेक्ट कर लिया तो जैसे ही इंटरेस्ट बैंक कलेक्ट करेगा बैंक का बैलेंस बढ़ गया बैंक मेरे खाते के बैलेंस को बढ़ा देगा मुझे नहीं पता ये चीज ठीक है अगर मुझे पता चल गया मैंने भी बढ़ा दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन मुझे पता नहीं है तभी तो डिफरेंस आ रहा है तो ये बैंक बैलेंस बढ़ गया यहाँ पे कम है ठीक करने के लिए प्लस करेंगे ये माइनस करेंगे तो पूरा खेल प्लस माइनस का है लेकिन कब क्या प्लस होगा ये समझना है अब अगर बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है तो पहले बैंक में प्लस या कोई कस्टमर डायरेक्टली मेरे खाते में जमा कर दे रहा है पैसे तो पहले बैंक में इंटीमेशन आएगा बैंक में प्लस तो इंटरेस्ट डिविडेंड बैंक ने मेरे बिहाफ में कलेक्ट कर लिया मैं कहाँ कहाँ कलेक्ट करूँगा सीधा मेरे खाते में जैसे मेरे, मेरे, मेरे पास सौ स्टूडेंट पढ़ते हैं तो मैं सबसे फीस लेने थोड़ी जाता हूँ सब बच्चे मेरे खाते में पैसे जमा करा देते हैं तो बैंक में प्लस मेरे को नहीं पता माइनस यहाँ पे नहीं पता तभी तो डिफरेंस आ रहा है बोलो सर आपको कैसे नहीं पता अरे पता चल गया तो ये बनेगा ही नहीं खत्म बात तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस इंश्योरेंस अब क्या है कि एक फैक्ट्री के अंदर सौ मशीनें हैं सौ मशीनों का इंश्योरेंस है तो यार मालिक हिसाब करता रहेगा कि कब इसका इंश्योरेंस करना है रोज रोज चक्कर छोड़ जाएगा बैंक के सीधे बैंक से बोल देगा भाई बैंक सुन बैंक ना हमारा एजेंट हमारे बिहार में काम करता है हमने बोला बैंक भाई सुन ये नहीं मेरे सारे इंश्योरेंस के पेपर अपने आप इंश्योरेंस की पेमेंट कर देना मेरे खाते से काट के <coughs> तो बैंक बोलेगा ठीक है, है तो बैंक ने मेरे खाते से काट दिया इंटरेस्ट मेरे कहने के इसको बोलते स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं है, क्लास स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि भाई देखो कहीं ऐसा ना हो इंश्योरेंस रह जाए तो लो तुम इंश्योरेंस की पेमेंट तुम कर देना हमने बैंक को परमिशन दे दी हमने बैंक को वो दे दिया तो जैसे ही बैंक मेरे खाते से पैसा काटेगा मुझे नहीं पता मेरा बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है मुझे तो पर बैंक ने इंश्योरेंस पेम पे कर दिया ठीक नहीं या तो ये माइनस या तो ये प्लस इन दोनों में से कोई यूज कर सकते हो नेक्स्ट कस्टमर डिपोजिट डायरेक्टली इंटू बैंक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक खाते में पैसा जमा कर लिया कस्टमर डिपोजिटेड डायरेक्टली इंटू आर बैंक अकाउंट कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक खाते में पैसा जमा कर दिया अब मेरे कस्टमर है मान लो कि कर्नाटका में वहां से डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया तो बैंक को पहले पता चलेगा बैंक <laughs> बैलेंस बढ़ गया मुझे अभी तक पता नहीं चला मेरा बैलेंस कम दिखा रहा है ठीक करने के लिए प्लस ठीक करने के लिए माइनस या तो ये प्लस कर दोगे या तो ये माइनस कर दोगे अब कब प्लस करें कब माइनस करें ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे सॉरी बिल रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर मैंने सौ लोगों को सामान बेचा उधार उन सबसे बिल ले लिया है अब इस बिल को इकट्ठा करके मैंने बैंक को दे दिया है वो बिल बैंक मेरे बिहाफ में कलेक्ट करेगा तो पहले किसे पर पैसा आएगा बैंक बैलेंस बढ़ा देगा बैंक मुझे नहीं पता मेरा काम है ठीक करने के लिए प्लस ये माइनस तो बस ये प्लस माइनस का ही पूरा का पूरा खेल है लास्ट पॉइंट और ये पॉइंट हंड्रेड परसेंट पेपर में आता है डिजोनर ऑफ बिल्स डिजोनर ऑफ बिल्स अलग एक चैप्टर हुआ करता था अब तो सिलेबस में नहीं है आपके जिसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज अब होता क्या है ए ने बी को उधार बेचा एक लाख का सामान बी ने बोला मैं तीन महीने में पेमेंट कर दूँगा एक जैन को बेचा बोला इसने एक अप्रैल को पेमेंट कर दूँगा ठीक है ए ने बी को उधार बेचा और उससे एक बिल पे साइन करा लिया ठीक है इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल और यही बिल इसके लिए क्या हो गया बिल्स पेबल अब ए को कुछ दिन बाद ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो ए ने बी को फ़ोन मिलाया और बोला कि हेलो बी भाई यार मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई अचानक से तो यार तीन महीने की छोड़ दो तुम मुझे अभी दे दो पैसे भले ही थोड़ा कम दे दो बट अभी दे दो मुझे अभी अर्जेंट है कहता भाई ना हो पाएगा भैया हमसे ना हो पाएगा तो ये ए जाता अपने बैंक के पास अपने बैंक से बोलता है भाई बैंक तुम इस एक लाख का बिल हमसे रख लो तुम्हें एक लाख रुपए ले लेना एक अप्रैल को आज बस मुझे नब्बे दे दो मेरा नब्बे से काम हो जाएगा तुम्हें भी दस हज़ार का फायदा हो गया बैंक बोलता है ठीक है चलो मैं तुम्हें नब्बे देता हूँ और मैं कलेक्ट इससे एक लाख रुपये कर लूँगा अब क्या हुआ तीन महीने बाद बैंक गया बी के पास बी ने मना कर दिया पेमेंट से बोला कौन है तुम नहीं जानता मैं तो बैंक क्या करेगा बैंक बोलेगा ए से भैया देखो उसने पैसा नहीं दिया तुम दो अब एक लाख रुपए मना नहीं कर सकता ये देने से मना नहीं कर सकता ध्यान रखना ये पहले गारंटी देके बैठा होगा पहले साइन कर चुका होगा ये पहले चीज गिरवी रखवा चुका होगा तो फिर ये एक लाख रुपए देगा दिस इज कॉल्ड बिल्डि कि भैया बिल तो था पर बिल डिजनर हो गया लाइक मैं किसी को अगर मैं पाँच लाख का चेक काट के दे दूँ मेरे खाते में एक लाख रुपए है तो वो बाउंस हो जाएगा वो डिजोनर हो जाएगा ठीक है तो बिल डिजोनर अच्छा ये जो बिल डिजोनर अच्छा ये जो काम होता है ना इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग एक लाख का बिल था नब्बे हज़ार में डिस्काउंटिंग कराया पर इसने पैसा नहीं दिया तो इसकी वजह से क्लास हमको पैसा देना पड़ेगा जब भी बिल डिजोनर होगा पैसा बैंक से माइनस हो जाएगा ध्यान रखना मेरे खाते में एक लाख रुपए हैं बैंक बैलेंस भी एक लाख है लेकिन अब एक लाख बैंक बिल की हम बिल बैंक हमारे खाते से पैसे काट लेगा तो यहाँ से हो गया माइनस ठीक है अब यहाँ पे दिखा रहा है प्लस ठीक है नहीं गी, गी, माइनस ये प्लस जब भी बिल डिजोनर होगा तो आप क्या करोगे बैंक से माइनस क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा हमें पेमेंट हो जाए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी भैया इसने तो दिया नहीं अब हमें देना पड़ेगा फिर हम ढूंढेंगे बी को हम बात करेंगे बी से भाई तूने बैंक को पैसा क्यों नहीं दिया समझ रहे बात मान लो कोई बच्चा है आप में से कोई मेरे ट्यूशन पढ़ता है आपने मुझे किसी और का चेक उठा के दे दिया आपको कोई चेक मिला होगा आपने उठा के दिया ये बाउंस हो गया तो भैया मैं तो आपको जानता हूँ ना मैं तो आपसे बात करूँगा ना आपने जिसका चेक दिया था मैं थोड़ी जानता हूँ उसको तो बैंक बोलेगा भाई देख तुम्हारा चेक बाउंस हो गया हम तुमको जानते हैं तुमको पकड़ेंगे हम पैसे दो तो हमारे खाते से पैसा कट गया हमारे कैश बुक में पैसा ज़्यादा है हम सोच रहे हैं बैंक ने पैसा क्यों काट लिया क्योंकि बिल डिजनर हो गया ये सारे पॉइंट्स हैं तो अगर आप इन सारे के सारे पॉइंट्स का रीज़न जितने भी रीज़न हैं इनके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं कोई चीज़ गलती से रिकॉर्ड आपने नहीं की कैश बुक में कोई चीज़ आपने पेमेंट का रिकॉर्ड नहीं किया कोई चीज़ आपने कैश बुक में रिसीट का रिकॉर्ड नहीं किया कोई कोई पेमेंट गलती से दो बार लिख लिया कोई रिसीट की चीज़ पेमेंट में पेमेंट की चीज़ रिसीट में डाल लिया कोई चार का सामान पाँच का पेमेंट लिख दिया इन सब रीज़न की वजह से भी बी डिफरेंस करता है और हमें उसे पकड़ के ठीक करना है यही काम हमारा है बी का पार्ट टू में डिटेल में क्लास क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पार्ट वन सिर्फ था अंडरस्टिंग के लिए उम्मीद है सीखने को मिला होगा अच्छा लगे तो ईगो का प्ले है उसको भी देखना क्लास इलेवन का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करेंगे ए टू जेड इवन क्लास ट्वेल्थ का भी तो जुड़े रहें सब्सक्राइब कर लें चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक टेक केयर बाय बाय अच्छे लगे तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना